Samajwadi Party President Akhilesh Yadav attended the birthday celebration of former MLC Subhash Chandra Yadav. Honoring his contributions to the party and the community during the event, Akhilesh praises Subhash Chandra Yadav for his dedication and service, highlighting his role in strengthening the party's grassroots connections. The celebration brought together party leaders and supporters, fostering a sense of camaraderie and unity among members. Akhilesh expressed his hopes for continued collaboration and collective efforts to address the challenges faced by the people of Uttar Pradesh, reinforcing the party's commitment to social justice and the development. आपसे बेहतर बीजेपी को कोई नहीं समझ सकता। हमारे पत्रकार साथियों, जब बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तो कोई ना कोई तिकड़म करो, कोई ना कोई तिकड़म करो, कोई ना कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे, याद करो आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए, सोचिए आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहेल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं, याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी, आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहा है। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए, जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहल में बताइए, कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी, यहाँ का लहसुन, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूं, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के आलू, ये बड़े बाजार में जा सकता था। यही इलाका है जो कन्नौज कानपुर देहात से शुरू होकर के आगरा तक है, वो इलाका है जहाँ सबसे अच्छा आलू होता है, सिरसागंज आलू, ये आपका ब्लॉक है, सबसे अच्छा आलू होता है बरनाल। तो बताइए आलू के लिए आपने क्या व्यवस्था की, कभी खरीदा आलू आपने? क्या कोल्ड स्टोर वालों को सस्ती बिजली देने का इंतजाम किया क्या आपने? तो जिस सरकार ने कोई व्यवस्था न बनाई हो उनसे उम्मीद क्या करोगे आप? केशव प्रसाद महोदय पीढ़ी परिवार को फर्जी परिवार बता रहे हैं। देखो वो खुद फर्जी हैं जी। आप मत कहलवाइए उनके बारे में। देखिए ये उनकी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है, जैसे सर्कस तो आना बंद हो गए, सर्कस आना बंद हो गए, लेकिन जब कभी भी जैसे आप टीवी चैनल में देखते होंगे कि बीजेपी, आपसे बेहतर बीजेपी को कोई नहीं समझ सकता।